नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेस पटना, और आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसका नाम है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को हम लोग दूर कैसे करेंगे, आज इस पे मैं कुछ बातें करने वाला हूं। और दोस्तों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको बेरोजगारी दूर करने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। एक्चुअली मैं एक टीचर होने के वास्ते मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जरा सा अपने सिस्टम को संभाल ले तो बेरोजगारी को हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बातें करूं, अगर मैं बिहार की बात करूं तो जरा देखिए, बिहार में जो हमारा 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 जिला है, जिसमें से बेसिकली हम 37 जिला की बात करूं तो कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे कम से कम 50,000 से कम स्टूडेंट्स रह करके अपना पढ़ाई करता है, रेंट पे रह करके पढ़ाई करता है। यानी कि जब यहां पे हम बात करेंगे तो टोटल 37 जिला में 18,50,000 स्टूडेंट्स जो है अपना वहां पे रह करके अपना पढ़ाई करता है। अगर मैं पटना की बात करूँ, तो पटना में कम से कम आपका 1.5 लाख स्टूडेंट्स है जो वहाँ पर रह करके पढ़ाई करता है। यानी कि टोटल की मैं बात करूं तो लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स अपने पूरे बिहार में रेंट पे रह करके पढ़ाई करता है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं दोस्त, यानी कि इस 20 लाख में, ध्यान देंगे, इस 20 लाख में यदि मैं टोटल 28 राज्य से स्टेट्स में बात करूँ तो टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 5,60,00,000। यानी कि पूरे इंडिया में 5,00,00,000 कम से कम की हम बात करें, मिनिमम की बात करें, अपने इंडिया में कम से कम 5,60,00,000 स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर से बाहर रहकर रेंट पे रहकर अपना पढ़ाई लिखाई करता है। जरा सोचिए, आप जब पटना में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, या दिल्ली में रहते हैं, या इलाहाबाद में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कम से कम अपने पर महीना 3,000 से कम खर्च करता होगा? यदि ये स्टूडेंट्स जो घर से रह करके बाहर पढ़ता है उसका कम से कम पर महीना का खर्च आता होगा जो 3,000 रुपया आता होगा। जरा सोचिए, अगर 3,000 रुपया भी पर महीना का खर्च आता है तो यहाँ से हम लोग देखें 1,68,00,000 पर महीना खर्च, यानी कि पर महीना इस विद्यार्थी से जा रहा है 1,68,00,000। अगर टोटल मैं 12 महीना की बात करूं, तो टोटल आपका देख सकते हैं 20,16,00,000। क्लियर? 20,16,00,000 केवल ही केवल विद्यार्थी से, यानी कि रेंट के रूप में किसी ना किसी के रूप में खर्च जा रहा है। दोस्तों, मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली किसी ना किसी कंपटीशन की दौड़ में उतर गए हैं, उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जो हर एक विद्यार्थी अपने पास ये कैपेसिटी लेकर चलता है कि कम से कम जो अपना 4 से 5 घंटा एवरीडे जो इधर उधर में बर्बाद कर देता है, यदि उसको थोड़ा भी संभाल ले, जरा सा भी संभाल ले, तो पर महीना वो कम से कम 3,000 तो रुपया कमा सकता है। दोस्त, कम से कम तो कमा सकता है। आपने मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, पीजी पास किया, क्या आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप पर महीना 3,000 रुपया कमा सके 2 घंटे 3 घंटे में? अगर एक कैपेसिटी नहीं है तो आपकी दिमागों में भरी हुई गलत फहमी है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि जब हम लोग अपने कोचिंग का हैंडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी बच्चा को छोटा हम देते हैं ना, तो वो भी 80 रुपया 1,000 डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1,000 जब हैंडल जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन लोगों को देता है तो 80 रुपया लेता है। जरा सोचिए कि वो लड़का जो 1 घंटा में 1,000 हैंडल डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाता है और इस तरह से महीना का वो 2,400 रुपया कमाता है। मैं एक बिल्कुल छोटे लेवल की बात किया, तो क्या आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे
अपने सिस्टम पे थोड़ा काम करके, अगर आपको सिस्टम नजर नहीं आ रहा होगा आप हमसे बात कीजिए। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, खास तौर पे उस स्टूडेंट्स के बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, उनके लिए स्पेशली एक बहुत ही अच्छा कंपनी आया है, ओवर नेट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं खुद जुड़ा हूँ। 11 सितंबर को मैंने जुड़ा और 11 सितंबर के जुड़ने के बाद मतलब मात्र मैंने 2 घंटा काम किया और 2 घंटा काम करने पे आज बहुत ज्यादा तो नहीं 6000 रुपया 7 दिनों के अंदर में मेरे अकाउंट पे आ गया। और करना कुछ नहीं है, आप एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, आपके पास टैलेंट है, यानी कि आप अपनी आवाज से मेहनत कर सकते हैं, अपने दिमाग से मेहनत कर सकते हैं, सिस्टम पे मेहनत कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छे तरीकों से आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, बस थोड़ी सी अपने सिस्टम को सुधार लीजिए। अपने सिस्टम को सुधारेंगे बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। करना आपको हाथों में, सोचना आपको है कि शेर कितना दहाड़ना है या गिद्दड़ कितना छुपकर रहना है, प्लीज। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब ये बेरोजगारी दूर करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आई रिक्वेस्ट आप इसे जरूर शेयर कीजिए। It's my humble request. Please share it. It's my humble request. और यहां तक आपको सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच।